प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर से लोग अपनी अपनी मनोकामना को लेकर जा रहे हैं। मिथिला के अहिल्या धाम से भी दांडी यात्रा पर दंपत्ति निकला है, जो बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण करते हुए आज गोपालगंज होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गया है। इस दौरान उनकी इस यात्रा में चार अन्य लोग भी पैदल यात्रा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अगर हमारे मन में भगवान के प्रति आस्था है तो कोई भी कठिन कार्य आसान हो जाता है। अगर भगवान श्री राम के प्रति आस्था देखनी हो तो इन दांडी यात्री को देखा जा सकता है। अमूमन लोग वाहन या पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन राम के प्रति आस्था देखकर हर कोई अचंभित है कि आखिर लेट कर 500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा सहज नहीं है। जय जय श्री राम। मेरा नाम कामेश्वर कुमार मिश्रा। वैसे मंदिर में हमें लोग सब राम जी के नाम से जानते हैं। हम अहिल्या मिथिला के प्राचीन धार्मिक स्थल अहिल्या स्थान से दंड प्रणाम करते हुए अयोध्या के लिए चले हैं और 24/10/2023 को चले थे और अभी 28 महीना और लगेगा अयोध्या पहुंचने में। और अभी तक हम बॉर्डर पर पहुंचे। बता दें कि 24 अक्टूबर को इस यात्रा की शुरुआत दरभंगा के अहियारी गांव निवासी कामेश्वर कुमार मिश्रा ने अपनी पत्नी अवंतिका मिश्रा के साथ की। इनके साथ चार अन्य लोग जो पैदल ही यात्रा कर रहे हैं, उसमें एक 10 वर्ष का बालक भी शामिल है। ये लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या उनके दर्शन के लिए निकले हैं। पत्नी के साथ दांडी यात्रा पर निकले कामेश्वर मिश्रा ने बताया कि वे भगवान श्री राम के भक्त हैं। मन में ख्याल आया कि भगवान श्री राम के दरबार में पहुंचकर पूजा पाठ और दर्शन करें ताकि अहिल्या माँ की तरह हमारा भी उद्धार हो सके। जय सियाराम, जय सियाराम। हम प्राचीन धार्मिक अहिल्या स्थान जो राम जी पदशिला का उद्धार किए अहिल्या माता का, वहां से दांडी यात्रा होते हुए अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए निकले हैं। अभी हम गोपालगंज लगभग पार कर चुके हैं। आज से कल तक में हम यूपी का बॉर्डर जो है वो टच कर जाएंगे। हमारा यात्रा निरंतर चल रहा है। नाम आपका? जय सियाराम। मेरा नाम अवंतिका मिश्रा है और स्थानीय नाम किशोरी जी। दांडी यात्रा दरभंगा से शुरू हुई और मधुबनी, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण होते हुए गोपालगंज पहुंची है। अभी तक करीब 250 किलोमीटर यात्रा पूरी कर चुके हैं। लोग भी जगह जगह फूलों से इनका स्वागत कर रहे हैं।